सब्सक्राइब कीजिए आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं अपने डेली रूटीन्स, आपने कितना देर कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की, कितना देर आपका फ़ोन अनलॉक रहा, ये सब इंफॉर्मेशन आप यदि जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप जान सकते कि आपका फ़ोन कितनी देर तक अनलॉक रहा है और कितनी देर तक आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करी है। आप ये जान फोन में एक फीचर होता है जिससे हम ये सब जान सकते हैं, वो कैसा फीचर है, कैसे हमें उसका यूज़ करना है, कैसे हमें जानना है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और यदि आपका कोई सवाल है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मेरे नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी। चलिए शुरू कर। तो दोस्तों चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, जहां से आप सब कुछ देख पाएंगे। तो इस ऑप्शन पे आपको जाना है डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल, तो इस पर क्लिक कर देना है। डिजिटल वेलबिंग नेविगेटर बटन, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स मोर ऑप्शंस बटन, योर डिजिटल वेलबिंग टूल्स यूज ऐप टाइटल्स एंड अदर टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ स्क्रीन टाइम एंड अनब्लॉक मोर इजीली 1 ऑफ 5 इंग्लिश योर शो योर इट बटन 2 ऑफ योर डिजिटल वेलबिंग टूल्स यूज ऐप टाइटल्स एंड अदर टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ स्क्रीन टाइम एंड अनब्लॉक मोर इजीली 1 ऑफ 5। तो ये सब चीज आपको बताएगा, यहाँ पर ये वही बता रहा है। तो आगे है शो योर इट बटन 2 ऑफ 5 पेरेंटल कंट्रोल्स 4 ऑफ 5। तो इसके बाद पेरेंटल कंट्रोल है। पेरेंटल कंट्रोल हमारे इतने मतलब का नहीं है, वो उनके लिए है जिनके चाइल्ड्स ये फोन वगैरह उनका यूज करते हैं, तो उनको वो पेरेंटल कंट्रोल वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के फ़ोन के लिए। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शो योर डेटा तो इसमें जाते हैं शो योर डेटा नेविगेटर डिजिटल वेलबिंग एंड मोर ऑप्शंस योर डिजिटल वेलबिंग टूल्स फोन यूज्ड फॉर 8 आवर्स 9 मिनट्स 2 ऑफ 16। तो ये बता रहा है कितने टाइम तक यूज हुआ फोन। गो टू डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे जाके भी देख सकते हैं। 73 अनलॉक्स 3 ऑफ 16 बता रहा है, देखो ऊपर ही कितने अनलॉक्स हुए हैं। 946 नोटिफिकेशंस 900 इतनी नोटिफिकेशन आई हुई है। वेज टू डिस्कनेक्ट 5 ऑफ 16 वेज टू डिस्कनेक्ट डैशबोर्ड नो टाइटल सेट 6 ऑफ 16। ये डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड में जाके हम टाइमर सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए कि इतने टाइम के लिए ये एप्लीकेशन पूरे दिन में चले। ये हम अगर हमें लगता है कि हमको ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हमें इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के लिए कि हमें वो एप्लीकेशन हम ज़रूरी काम नहीं करने दे रही है, हम उसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके लिए टाइमर सेट कर सकते हैं, फिर आप उतना ही टाइम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। विंड डाउन ऑफ 7 ऑफ 16। तो इसमें ये कुछ नीचे ऑप्शन है विंड डाउन रिड्यूस इंटरप्शंस 9 मैनेज नोटिफिकेशंस 10 ऑफ 16 मैनेज नोटिफिकेशन 11 ऑफ डिस्टर्ब आइकन इन द ऐप लिस्ट ऑफ स्विच 13 ऑफ 16। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप अपडेट करोगे, अभी अपडेटेड नहीं है, इसको प्ले स्टोर से अपडेट किया जा सकता है। तो अपडेट करने के बाद आप इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी, और अगर जिन फ़ोनों में ये नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो लगभग सभी नए फ़ोनों में ये इंस्टॉल्ड मिलता ही है, लेकिन कुछ पुराने फ़ोन हैं जो पुराने फ़ोन के यूज़र हैं जो एंड्रॉयड 6-7 पे वर्क कर रहे हैं, तो यूज़ करना चाहेंगे ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप ये एप्लीकेशन मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है। तो ये एप्लीकेशन गूगल की है और बिल्कुल सिक्योर है, तो इसमें कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा। और इस एप्लीकेशन का लॉन्चर पे आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं शो आइकन इन द ऐप लिस्ट ऑन, मैंने ऑन कर दिया
parental controls, 15 of 16. तो नीचे parental control है, इसमें हमें नहीं जाना है। तो इसके कुछ और ऑप्शन हैं जो अपडेट करने के बाद मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। अभी मैं गो टू डैशबोर्ड पे आपको दिखाता हूं। Reduce interrupts, go to dashboard, 2 of dash, more options, 8 screen, देखो, screen time button, 8H9M, okay. तो ये स्क्रीन टाइम दिखा रहा है। Remove screen time. यहाँ पे रिमूव स्क्रीन टाइम करके ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें क्लिक करके देखते हैं। Notifications received, 2 of 3, times opened, 3 of 3, tap to stop, out of list, मतलब, notification, screen time, 1 of 3. यहाँ पे स्क्रीन टाइम बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ पड़ा है ऑप्शन में से ही। रिमूव स्क्रीन टाइम पे क्लिक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते Dashboard, हैं। रिमूव 8H9M बार चार्ट शोइंग फोन गो टू द प्रीवियस डे बार चार्ट शोइंग फोन यूजेज डेट विद 70 पॉइंट्स पेज इंटीजर तो ये आज का दिखा रहा है और पिछला डे का देख सकते हैं। गो टू प्रीवियस डे पे जाके और नेक्स्ट डे पे जाके आज का आज के क्योंकि नेक्स्ट डे कल होगा तो कल का तो नहीं आएगा तो इसलिए ये डिसेबल बता रहा है। गो टू नेक्स्ट पे डे Set timers for your apps. You can set daily timers for most apps. When the app timer ends, the app is paused for the rest of the day. One of 25 in list. 25 items. बता रहा है। Set timers for your apps. You can set daily timers for most apps. When the app timer ends, the app is paused for the rest of the day. One of 25 in list. 25 items. आप अपने most of the apps के लिए timer set कर सकते हैं। अगर वो timer आपके apps का use करने का खत्म हो जाता है, तो वो app automatic pause हो जाएगा। उसके बाद वो app work करना बंद कर देगा उस दिन के लिए। Dismiss card button. तो ये नोटिफिकेशन दे रहा था इसमें क्योंकि हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम हमें वो टिप्स दे रहा था जैसे कि हर एक ऐप में आपको मिलता ही है। अब नीचे ऐप्स दिखा रहा है व्हाट्सएप या जो YouTube, भी यूज़ फॉर 49 मिनट्स 2 ऑफ 24 कौन सा ऐप कितने टाइम यूज़ किया है। नो टाइमर सेट फॉर YouTube चेंज टाइमर उसके बाद स्वाइप करते हैं तो बोलता है नो टाइमर सेट फॉर YouTube या जो भी ऐप पे जाएंगे पहले ऐप देखो मैं स्वाइप करता हूँ टेलीग्राम यूज फॉर 38 मिनट्स 3 ऑफ 24 हाँ तो स्वाइप करा जैसे कि टेलीग्राम आया तो बताया कि इतना मिनट यूज हुआ है फिर स्वाइप करेंगे नो टाइमर सेट फॉर टेलीग्राम चेंज टाइमर नो टाइमर सेट फॉर टेलीग्राम चेंज टाइमर तो इसमें क्लिक करके हम टाइमर सेट कर सकते हैं। तो ये रहा स्क्रीन टाइम का और तीन और दो ऑप्शन और थे उनके भी बारे में हम देख लेते हैं। ऊपर चलते हैं 8H9M आउट ऑफ लिस्ट ओके बार चार्ट शोइंग गो टू द प्रीवियस डे बटन ओके आउट 8H remove screen time तो remove screen time पे मैं क्लिक कर रहा हूं notifications received 2 of 3 तो notification received देख लो dashboard remove notification अब यहां पे दिखाएगा remove notification देखो बोलने लगा वहां पे तो यहां पे दिखाएगा कितनी नोटिफिकेशन आज मैंने रिसीव किए हैं किस एप्लीकेशन से कितनी नोटिफिकेशन 946 notifications 946 पूरी नोटिफिकेशन रिसीव हुई है बार चार्ट शो गो टू द प्रीवियस डे प्रीवियस डे की देख सकते हैं ऐसे मैं क्लिक करता हूं 946 notifications देखो ये बता रहा है go to the next day button. next day पे आज के दिन 946 notifications तो ऐसे ही आप देख सकते हैं आज का भी देख सकते हैं पिछले डे का भी देख सकते हैं कभी कभी देख सकते हैं तो ये डिजिटल वेलबीइंग में बहुत सुविधाएं हैं WhatsApp 736 notifications received 1 of 19 तो नीचे आ गए तो वो बताएगा WhatsApp पे कितनी नोटिफिकेशन आई है टाइमर सेट फॉर WhatsApp चेंज टाइमर फिर आप टाइमर सेट करने का ऑप्शन ये तो पहले भी देखा था आपने मेल 58 notifications received 2 of 19 तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं रिमूव नोटिफिकेशंस रिसीव स्क्रीन टाइम नोटिफिकेशन टाइम्स ओपन 3 ऑफ टाइम्स ओपन डैशबोर्ड रिमूव टाइम्स ओपन आउट ऑफ लिस्ट टाइम्स ओपन कि कौन सी एप्लीकेशन कितना देर ओपन रखी है इसमें स्क्रीन पहले स्क्रीन का दिखाएगा कि कितनी देर स्क्रीन ऑन रखी 73 अनलॉक्स 73 बार अनलॉक किया गया स्क्रीन को बार चार्ट शोइंग फोन यूजेज डेट विद 70 पॉइंट्स पेज इन Go to the previous day. यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है। Show phone usage data with 70 points. Page. ये अगर आप low vision है, ये sighted है, तो आप easily देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज। तो हमारे Go to the previous day. Out of page. जो पूरी तरह से talkback पे dependent हैं, वो जो totally blind हैं, हमारे भाई, बहन, तो आप के लिए ये इतना important नहीं है। Show phone usage data with 70 points. Page. In page. Accessibility तरीके से बता रहा है कि bar chart है यहाँ पर। Go to the previous day. Button. Go to the previous day. Go to the next day. WhatsApp opened 101 times. One of 24 in list. 24 items. Application का बताता है कि कौन सा WhatsApp कितनी बार ओपन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इसके बारे में। No timer set for WhatsApp. Change timer. Timer set कर सकते हैं वही ऑप्शन है। तो ये सब चीजें हैं डिजिटल वेलबिंग के बारे में। वैसे तो बहुत फंक्शन है डिजिटल वेलबिंग के। एक वीडियो में बताने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी
तो एक वीडियो में हम इसको नहीं देखेंगे, कई वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें आप कमेंट लिख सकते हैं या हमें ouraccessibleW@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप किसी भी के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।